हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि यह जो वीडियो है, यह मोस्ट अवेटेड वीडियो या कह सकते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो या फिर कह लीजिए मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहा था इस वीडियो से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम क्या आपको बताएंगे, चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि यह जो वीडियो है लगभग 4 से 5 दिनों बाद आ रही है। बीच में 4 से 5 दिन हम मिसिंग हो गए थे, कहने का मतलब वीडियो नहीं आ रही थी। तो यह ऐसा क्यों हुआ था, हो सकता है आपको हम थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो डाल के बता देंगे। थोड़ा सा इशू आ गई थी, हेल्थ इशू, चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको बता दें कि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हम I am going to expand to myself a little bit, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वीडियो वगैरह भी सोच रहे हैं कि लेके आए। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना सही रहेगा या फिर नहीं, करें कि ना करें। थोड़ा सा मतलब टेक्निकल रिलेटेड भी वीडियो सोच रहे हैं कि यहाँ पोस्ट करें, जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट से रिलेटेड हो, अर्निंग वगैरह से रिलेटेड हो, इस तरह से। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हमारा कदम सही रहेगा या नहीं। फिलहाल में चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, इस वीडियो में आपको यही बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि सर PCL JEE में न्यू वैकेंसी कब आ रही है। क्वेश्चन तो हर एक जगह से आ रहा है कि बिहार PCL में कब आ रही है, अरबी JEE में कब आ रही है, इस तरह से। लेकिन मोस्ट जो क्वेश्चन था कि PCL JEE में वैकेंसी कब आ रही है। अभी आपको पता ही होगा कि वैकेंसी इसका जो आई थी उसका एग्जाम हुआ है, आंसर की वगैरह आया है, तो उसका इस समय प्रोसीजर चल रहा है। और उसके पहले सिविल का एग्जाम हुआ था और उसके बाद उसका आंसर किया आया, बीच में वैकेंसी भी आ गई। तो इसी वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी ऐसी ही वैकेंसी आ जाए बीच में। लेकिन हम आपको बता दें कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में ही वैकेंसी आ जाएगी PCL JEE इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, जस्ट लाइक सिविल ब्रांच की तरह ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमेशा से ही देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का JEE की वैकेंसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। और एक बात तो है कि PCL JEE में हर पर ईयर मतलब हर साल वैकेंसी आती ही आती है, और भले ही कम आ रही है वैकेंसी, इस समय 9 के बराबर आ रही है, लेकिन वैकेंसी हर साल आती ही आती है। सो 2022 की वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, तो वह भी आएगी, 2022 की वैकेंसी भी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि वह मतलब एक तरह से विंटर सीजन आते आते आएगी वैकेंसी, ठीक है ना, आएगी जरूर, क्योंकि 2-2.5 महीने में सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो विंटर सीजन आते आते वैकेंसी आपकी आ जाएगी, जरूर वैकेंसी आएगी, ये तो 100% श्योर आप रहिए कि वैकेंसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकाल रही है PCL। पिछले मतलब 6-7 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो, कोरोना पीरियड को छोड़ देंगे तो भी, और कोरोना पीरियड में भी वैकेंसी आई थी, मान लीजिए उसकी वजह से एग्जाम डिले हुआ ना, लेकिन वैकेंसी तो आई थी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक वैकेंसी आपका हो सकता है अगस्त के आसपास देखने को मिल जाए। सो यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने एजुकेशन को ब्रेक न करिएगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा अगर PCL में ही जाना है तो, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि PCL का जो सिलेबस है कितना ब्रॉड हो गया है और उसका लेवल किस मतलब उसका जो पेपर है किस लेवल का आ रहा है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करके पढ़ना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। सो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। आपका वैकेंसी देखिए, यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट ना करिएगा कि भाई ऐसे ही वीडियो बना दिए। हम एक एजप्शन कर रहे हैं इस वीडियो में, हमारा ऐसा हम नहीं बोल रहे कि नई वैकेंसी आ ही गई, ऐसा तो हमने बोला नहीं। हमने कहा है कि जितने लोगों ने कमेंट किया है उनके उनको आंसर देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है कि भाई देखिए आपकी वीडियो नियर अबाउट जो अगस्त महीना है उसी के आसपास आएगी, क्योंकि हमेशा उसी समय देखने को वैकेंसी मिलती है। सो उसी समय आएगी, और आएगी तो श्योर, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि श्योर वैकेंसी आएगी, क्योंकि कम ही आएगी लेकिन आएगी जरूर, ठीक ना। भले ही योगी जी जो है कि पैसा ही कमाने के लिए वैकेंसी दें, लेकिन देंगे जरूर। सो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। सो प्लीज़ आप पॉजिटिव कमेंट करिएगा। और हाँ, जो हमने आपसे पूछा है कि क्या ये हमारा कदम सही रहेगा कि इस पर हम एक्सपेरिमेंटल वीडियो जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही रिलेटेड रहेगा नियर अबाउट, और उसके बाद आपका कुछ टेक्निकल वीडियो भी अपलोड करें, तो क्या वो सही कदम होगा, इसका भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स टू सपोर्ट मी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया हमको, अब बहुत जल्दी हमारा चैनल ग्रो हुआ है आप लोगों के प्यार से। आप लोगों ने हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको तो विश्वास ही नहीं था कि इतना जल्दी हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, आप लोगों ने उसको ग्रो कराया है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जरूर आंसर बताइएगा कि क्या हमारा ये कदम सही रहेगा।
तो ठीक है, अब बात है ना, देखिए कि ये जो अपडेट वाली वीडियो हम बनाते हैं तो इसका एक लिमिटेशन होता है, यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो हमने सोचा कि कुछ ऐसी भी वीडियो लाए जो कि थोड़ा सा वीडियो एक्सपेंड हो, चले, थोड़ा चैनल और तेज़ी से ग्रो हो, इसी वजह से हमने ऐसा सोचा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कदम सही है कि नहीं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो पे करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके यार भाई हैं, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा ग्रो कराइए हमारे चैनल को और ज़्यादा। ओके, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।